नमस्कार दोस्तों, राम कला से दोस्तों प्रताप गर्बलोचल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा गर्मी का मौसम या बारिश का मौसम या ठंडी का मौसम, कोई भी मौसम है दोस्तों, आप जो हमारे फार्मूले को यूज करके अपने गाय और भैंस के दूध को बढ़ा सकते हैं। ताज़ी ब्याई हो या ज़्यादा दिन की ब्याई हो, कितना दिन की भी ब्याई हो दोस्तों, इस फार्मूले से आपके पशुओं का 100% दूध बढ़ जाएगा। क्या देना है, किस तरह देना है, सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। अगर हम दोस्तों बात करते हैं अपने पशुओं को फार्मूला देने के लिए, तो उस फार्मूले में हमें क्या क्या देना है। सबसे पहले दोस्तों आपको लेना है 200 ग्राम गुड़ और 1 लीटर पानी। 200 ग्राम गुड़ को दोस्तों 1 लीटर पानी में घोल देना है और उसके बाद 100 ग्राम बाजरा, 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम काला तिल, ये तीनों को दोस्तों मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद बारीक कर लीजिए, जिसे दरदरा कहा जाता है, दरदरा करके यानी पाउडर बना करके उस पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के लगभग दोस्तों 2 घंटे बाद आप उसे, आप जैसे भिगोते हैं उसको मिला लीजिए, मिलाने के बाद वहां रख दीजिए, 2 घंटे तक उसको रख छोड़िए। 2 घंटा जैसे हो जाता है उसको आप अपने पशुओं को डायरेक्ट खिला कर देखिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके पशुओं के गाय भैंस के दूध बढ़ने लगेंगे। इसको खिलाने से दोस्तों आपके जो पशु है लगभग 2 लीटर, 3 लीटर, यहाँ तक के दोस्तों 4 से 5 लीटर दूध तक बढ़ा सकती है। और इसे हमें लगभग दोस्तों 9 से 10 दिन देना है और इसको लगभग आपको दोनों टाइम देना है, सुबह में भी देना है, शाम को भी देना है, सुबह दूध निकालने के बाद, शाम को भी दूध निकालने के बाद, लेकिन इसे भिगो करके ही देना है। भिगोने के बाद लगभग 2 घंटे बाद ही अपने पशुओं को खिलाएं। एक बात खास ध्यान रखना है, जैसे आपकी पशु बच्चा कर दिया है, अगर 21 से 25 दिन हुआ है या महीना हो गया है, कीड़ी की दवा नहीं पिलाए हैं, तो पहले कीड़ी की दवा पिला देना है। कीड़ी की दवा पिलाने के 5 दिन बाद, 4 से 5 दिन बाद इस फार्मूले को यूज करना है, क्योंकि जब आप कीड़ी की दवा पिलाते हैं तो उनका जो पेट होता है साफ होता है। उस समय आप अगर कोई फार्मूला देते हैं तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उनका पेट साफ हो रहा है, पेट सफा होने जा रहा है, तो उस समय क्या उन कुछ चारा भी कम खाएंगी, थोड़ा डिस्टर्ब रहती हैं। तो आपको 4 से 5 दिन गैप कर देना है, यानी रोक कर फिर इस फार्मूले को देना है। और जैसे 3 से 4 महीना बच्चा किए हुए हो गया है और उसे भी कीड़ी दवा नहीं दिए हैं, तो उसको भी कीड़ी दवा देने के बाद ही इस फार्मूले को यूज करना है। ये खास ध्यान रखना है दोस्तों कि आपकी पशु जब बच्चा करती है तो 21 से 25 दिन के अंदर अंदर उसे कीड़ी की दवा अवश्य पिलाएं, और जब हर 3 महीने पर उसको कीड़ी की दवा पिलाते रहिए। इस यही जो कारण होता है मेन, चारा खाना बंद कर देती, सुस्त रहना और उलझन जैसा, आंख से आंसू आना, मतलब तरह तरह की जो दिक्कतें खड़ी होती है यही होता है कीड़ी की दवा। जो आप कीड़ी की दवा नहीं पिलाते समय पर, तो उनको यही समस्या, यही दिक्कत खड़ी होती है। तो जब भी आप अपने पशुओं को दूध बढ़ाना चाहते हैं, कोई फार्मूला यूज करना चाहते हैं, तो उसे जो है कीड़ी की दवा अवश्य पिलाएं। कीड़ी की दवा अगर नहीं पिलाएंगे दूध बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, जो फार्मूला देंगे वो काम भी अच्छी तरह से नहीं करेगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।